कई उड़ाने रद्द, पानी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन, कईयों को हिरासत में लिया गया है, कई लोगों ने टोल, रेल सेवा और रेस्टोरेंट्स को बंद करने की कोशिशें की है। कावेरी जल विवाद का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इस वजह से कर्नाटक में बंद का आह्वान किया गया है। आज हम आपको कावेरी जल विवाद के बारे में बताने जा रहे हैं, कब से ये विवाद चलता आ रहा है वो बताने जा रहे हैं, इस विवाद को लेकर अब तक क्या क्या किया गया है ये बताएंगे, साथ ही इसको सुलझाया कैसे जा सकता है इस पर भी बातचीत की जाएगी। नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। इस पर डिटेल से हम आपको जानकारी दें, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में आज कर्नाटक बंद रहा। कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओकुटा संघ ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे का बंद बुलाया। विपक्षी भाजपा और जनता दल सेक्युलर ने भी बंद के समर्थन में राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। कर्नाटक पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारी हाईवे, टोल टैक्स, रेल सेवाएं बंद कराने की कोशिश कर रहे थे। दुकानें, शॉपिंग मॉल, मूवी थिएटर्स, होटल्स और रेस्टोरेंट बंद रहे। मेट्रो बस सेवा सर्विस चालू थी, लेकिन भीड़ ना के बराबर थी। 140 साल पुराना कावेरी जल विवाद सुर्खियों में अपनी जगह बना चुका है। तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटका पानी नहीं छोड़ रहा, कर्नाटका का कहना है कि पानी है ही नहीं। बहरहाल इस विवाद को लेकर हम आगे बढ़े, उससे पहले आप जरा ये समझ लीजिए कि कावेरी जल विवाद है क्या और समय समय पर ये क्यों सामने आता रहा है। कावेरी जल विवाद एक ऐसा विवाद है जो कावेरी नदी के जल संसाधन के बारे में है, कावेरी नदी के जल वितरण के बारे में है, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्य के किसानों में होड़ है, क्योंकि इस नदी से जल की आपूर्ति के बिना दोनों ही राज्यों के किसानों को फसलों की खेती के लिए समस्याएं होती हैं। कावेरी दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी है जो कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलकर तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी घाटी में एक हिस्सा केरल का भी है और समंदर में मिलने से पहले ये नदी पांडिचेरी के कराईकाल से होकर भी गुजरती है। कावेरी नदी लगभग 750 किलोमीटर लंबी है। कावेरी के बेसिन में कर्नाटक का 32,000 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका शामिल है। ये दोनों ही राज्य सिंचाई के पानी की जरूरत की वजह से कावेरी के मुद्दों पर दशकों से लड़ रहे हैं। दोनों ही राज्य अपने किसानों की बदहाली का हवाला देते रहे हैं। इस बार तमिलनाडु ने कर्नाटक से 15,000 क्यूसेक और पानी छोड़ने की मांग की। कर्नाटक के विरोध के बाद कावेरी जल विवाद पर न्यायाधिकरण ने 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की, लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक ने 10,000 क्यूसेक पानी भी नहीं छोड़ा। कर्नाटक का कहना है कि इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून के कमजोर रहने के कारण कावेरी नदी क्षेत्र के जलाशयों में अपर्याप्त जल भंडार है, इस वजह से पानी नहीं छोड़ा गया। ऐसे में जब कर्नाटक ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया तो ये मुद्दा गर्मा गया। दोबारा उपजे विवाद के बाद 18 सितंबर को कावेरी जल प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया कि वो तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी जारी करे। आदेश के तहत कर्नाटक को 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देना था। हालांकि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे कर्नाटक ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां कर्नाटक सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के आदेश में कोई भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को हर 15 दिन में बैठक करने का निर्देश दिया। अब कर्नाटक के कई किसान और संगठन तमिलनाडु को पानी दिए जाने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दरअसल कावेरी नदी बारिश के पानी से ही भरती है। इसका हाल उत्तर भारतीय नदियों जैसा नहीं, जहां हिमालय पर बर्फ पिघलने से पानी आता है। कावेरी का हाल ये है कि जितनी बारिश होती है उसी हिसाब से पानी भरता है और फिर बढ़ता है। इन चारों राज्यों के बीच विवाद तभी जोर पकड़ता है जिस साल कम बारिश होती है। ऐसे में पानी कम मिलता है और फिर मार मरोवर की नौबत आ जाती है। ना ये विवाद आज का है, ना ये कहा जा सकता है कि ये विवाद कल दोबारा नहीं होगा। ये विवाद इतना पुराना है जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब मैसूर और मद्रास रियासतें हुआ करती थी। तब से लेकर आज तक इस विवाद ने किन किन हालातों को देखा, तब से लेकर आज तक
इस विवाद को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए इस रिपोर्ट में देखिए। कावेरी पर पहला कानूनी विवाद 19वीं शताब्दी के दौरान सामने आया, जब भारत में रियासतें थी, अंग्रेजों का राज था, एक तरफ मैसूर राजघराना था, दूसरी तरफ मद्रास प्रेसिडेंसी थी। 1881 में जब तत्कालीन मैसूर राज्य ने कावेरी पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया तो तत्कालीन मद्रास राज्य ने इस पर आपत्ति जताई। ब्रिटिश शासन काल में पहली बार 1892 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच समझौता हुआ। 1924 में एक बार फिर कावेरी जल को लेकर विवाद हो गया, मामला कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन इस बार इसके जल के दावेदारों में दो और नाम जुड़ चुके थे, केरल और पुडुचेरी। उस वक्त सभी पक्षों के बीच समझौता कराया गया। ये समझौता 50 सालों के लिए था, लेकिन 1947 में भारत आजाद हो गया और सभी रियासतें भारतीय गणराज्य का हिस्सा हो गई। मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी बन गई कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए। 2007 में कावेरी जल संधि को भारत सरकार ने प्रस्तुत किया, जिस संधि में कावेरी नदी के जल के साझा विभाजन के बारे में विवाद के समाधान की कोशिश की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2016 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए सुलझाव की कोशिश की। उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें आयोजित की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद के मामले में फैसला दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नदी के जल का साझा विभाजन के लिए निर्धारित किए गए आदर्शों को मान्य किया। दोनों राज्यों को अपने अपने हिस्से में जल का पालन करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कावेरी जल विवाद अब भी सुलझाने की कोशिशें चल रही है। सरकारों और राज्यों के बीच अभी भी संवाद जारी है। कावेरी जल विवाद की समस्या के समाधान के लिए कई जरूरी अहम और उपाय हो सकते हैं। काफी रिसर्च करने के बाद, कई विशेषज्ञों के कई जगह राय सुनने के बाद कुछ सुझाव हमें ऐसे मिले जिन्हें शायद इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसका समाधान निकाला जा सकता है। कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम और उपाय हो सकते हैं। कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थता समिति या अन्य स्तरीय मध्यस्थता संगठन का गठन किया जा सकता है जो निष्कर्षण की कोशिश कर सकता है। इसके लिए न्यायिक और तबादला करने वाले अधिकारियों के साथ संवाद करने की जरूरत होगी। कावेरी नदी के जल संसाधन को वैज्ञानिक तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए विशेषज्ञों के साथ अध्ययन और शोध की जरूरत है। इससे नदी के प्रवाह को संबल और संवैधानिक तरीके से विभाजित करने के लिए विशेष तथ्य और आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जल संचालन को सुधारा जा सकता है, जिससे जल का बेहतर उपयोग हो सकता है, उसकी आपातकालीन व्यवस्था का सुधार हो सकता है। लोगों को कावेरी जल विवाद को लेकर जागरूक करना काफी अहम है। जल संसाधन के सही उपयोग की ओर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक मीडिया, सेमिनार, कार्यशाला और शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सामाजिक और आर्थिक सहयोग की बढ़ती समझदारी और एक दृष्टि संगठन की जरूरत है, जिससे ये दोनों राज्य समझौते पर पहुंच सके। कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए जल संबंधित कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं, ताकि संवैधानिक रूप से जल का विभाजन हो सके।